हेलो एवरीवन, सो स्वागत है आपका इस चैनल पर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है उसमें के लिए जिन भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था PhD के लिए वाया CU सेट, दैट इज़ आपने CU सेट के को अप्लाई किया रहा होगा 2020 का, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में रजिस्टर किया होगा, तो उन्हीं कैंडिडेट्स की जो प्रोविजनल लिस्ट है, जो भी एलिजिबल हैं कैंडिडेट्स, उनकी लिस्ट आ गई है, फाइनली नाम आ गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम उस लिस्ट को कैसे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो पेज है वो है CUH, दैट इज़ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसका ऑफिशियल पेज है। ठीक है, ये है ऑफिशियल पेज, यहाँ पे आपको दिख रहा है, करेक्ट, यही है होम पेज। इसकी जो साइट है वो है CUH.ac.in, करेक्ट। आप इसके थ्रू विजिट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि जितनी भी लिंक्स हैं इंपॉर्टेंट वो सभी डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के ही जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसे देखिएगा, और उसमें जो भी लिंक्स हैं आप उस पर जाकर डायरेक्टली इन लिंक्स या इस साइट पर विजिट कर सकते हैं। ये साइट भी होगी और साथ में जो हमारी लिस्ट है वो जिस साइट पे अवेलेबल है उसकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसे प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। एनीवेज, तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम होम पेज के थ्रू जाएंगे क्योंकि ये इजी भी है। तो सबसे पहले इस पेज को जब आप ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ऑब्वियसली कई सारी चीज़ें हैं, एज होम पेज है। हमें जिस काम के लिए अभी फ़िलहाल इस पे विज़िट करना है वो है लिस्ट, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो लिंक दिख रहा है, ऑनलाइन लिंक फॉर एडमिशन्स 2020 एंड 2021, करेक्ट, आपको ये ब्राउन या मरूनिश शेड में दिख रहा है पूरा लिंक, ये है ऑनलाइन लिंक फॉर एडमिशन्स 2020 एंड 2021, ठीक है। इसी लिंक पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है, तब आप पहुंचेंगे एक अलग ही पेज या पोर्टल पे जिसमें कि आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसे क्लिक करते हैं और फिर हम आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसे क्लिक करते हैं, इसे क्लिक किया तो आपको दिख रहा है ये पेज ओपन हुआ, ठीक है। ये है CU सेट काउंसलिंग वाला पेज जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन भी किया होगा डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए या डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए। तो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का पेज। तो इसमें आप और स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे दिखेगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ज़रूरी जो भी सूचनाएँ हैं वो, और साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आप सभी के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है NOC प्रोफार्मा फॉर पार्ट टाइम कैंडिडेट्स। हमें इससे नहीं, हमें ये जो सेकंड और थर्ड वाले नंबर पे आपको ये लिंक्स दिख रही हैं हमें इससे मतलब है, तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो यस, तो यहाँ पे दिख रहा है रिसर्च प्रोग्राम जिसके आगे लिखा हुआ है प्रोविजनल लिस्ट फॉर CU सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि CU सेट के थ्रू आप कई सारी यूनिवर्सिटीज दो तरीके से आपको अलाउ करती हैं रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन। फर्स्ट वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने CU सेट का एग्ज़ाम प्रॉपरली दिया होगा, ठीक है, और फिर क्वालिफाई किया होगा, दैट इज़ 50% से ज़्यादा उनके मार्क्स होंगे। बट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो एग्जेम्प्टेड होते हैं, जैसे GRF जिन्होंने क्वालिफाई किया है या ऐसे और बाकी एग्ज़ाम्स हैं, तो उन्हें एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, बट हाँ उन्हें फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तभी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे उन सभी कैंडिडेट्स के नाम की लिस्ट है, प्रोविजनल लिस्ट फॉर CU सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। आप इस लिंक पे और इस लिंक पे दोनों पे एज़ पर लाइक अगर आप CU सेट एग्जेम्प्ट थे तो आप सेकंड पे क्लिक कर लीजिए, आप अदरवाइज आप फर्स्ट पे क्लिक करिए। तो जो आपको लिस्ट डाउनलोड करनी है आप उसे क्लिक करेंगे और फिर आपको लिस्ट आपकी मिल जाएगी। तो चलिए हम भी क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि लिस्ट कैसे दी हुई है बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए इसे सबसे पहले हम जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वाली लिस्ट है उसे क्लिक करते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि ये है प्रोविजनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड CU सेट कैंडिडेट्स फॉर रिसर्च प्रोग्राम्स। तो ये वो सभी कैंडिडेट्स हैं, उनकी एक प्रोविजनल लिस्ट है जो कि क्वालिफाई हैं या उन्होंने क्वालिफाई किया है CU सेट एग्ज़ाम को। तो इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दिखेगी, सबसे पहले यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट है, प्लस मार्क्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली अब आपको दिख ही रहे होंगे डिफरेंट नाम्स, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं आप उसे देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसमें आप पहले बायोकेमिस्ट्री देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको और भी सब्जेक्ट्स दिखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बायोकेमिस्ट्री के जो भी एलिजिबल हैं उन सभी के नाम हैं। देन यहाँ पे आपको सेकंड पे यहाँ से बायो टेक्नोलॉजी के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप इसे स्क्रॉल करते जाइए, 81 पेजेस हैं ओवरऑल जिसमें सारे ही सब्जेक्ट्स जो थे उनके जो भी कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल उनकी लिस्ट है,
ठीक है, उसके बाद अब हम एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट को भी एक बार देख लेते हैं। जी तो ये है एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, इसमें भी सेम पहले बायोकेमिस्ट्री है, देन बाकी सारी चीज़ें, और कौन सा एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किया है ये भी यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स के नाम भी मेंशन है, जैसे यहाँ पे गेट है, नेट है, देन गेट, नेट, एम फिल किसी ने किया है, कोई GRF है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो ये सभी कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी बहुत सारे लोगों के नाम है, इसमें 97 पेजेस की ये लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है एक एक सीट के लिए। तो जो भी आप में से इंटरव्यू देगा, सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। तो अभी हम एक नोटिस भी देखेंगे जो कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है उसका ही है। तो चलिए हम इसके फिर से वेबसाइट पर विज़िट करते हैं। जी तो ये है अगेन होम पेज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का। इसमें आपको एक पॉपअप या फिर एक यू नो ब्लिंक होते हुए एक लिंक दिखेगा जो कि इसी से रिलेटेड है, दैट इज़ PhD या MPhil प्रोग्राम से। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है नोटिफिकेशन विच इज़ मोड ऑफ इंटरव्यू या इंट्रैक्शन फॉर MPhil PhD प्रोग्राम एडमिशन। यहाँ पर दिख रहा है आपको ये वाला जो लिंक है जो मूव कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, वही है जिसमें आपको दिख रहा है कि इंटरव्यू का मोड क्या होगा MPhil या PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। और यही सेम नोटिस आपको नीचे भी नोटिस के सेक्शन में भी दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए ओपन करें और फिर देखते हैं। जी तो गाइज़ ये है वो नोटिस, आप देख सकते हैं डेट लिखी है 16 नवंबर 2020, दैट इज 16 नवंबर का ही ये नोटिस है। तो आप देखिए इसे, तो ये क्या है, नोटिफिकेशन है बेसिकली कि आपको पता है जो भी कोविड पॉजिटिव केसेस हैं, इनफैक्ट कई कोविड पॉजिटिव केसेस इस यूनिवर्सिटी में भी मिले हैं, जैसा कि इसमें मेंशन है दैट कीपिंग इन व्यू द डिटेक्शन ऑफ यू कोविड पॉजिटिव केसेस इन द यूनिवर्सिटी डिसीजन अर्लियर टेकन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेंट्रल एडमिशन एडवाइजरी कमिटी 2020 टू कंडक्ट इंटरव्यू ऑनलाइन। बेसिकली पहले ये कमेटी ने डिसाइड किया था कि जो इंटरव्यू है वो ऑफलाइन मोड पे होगा, उसे रिव्यू किया गया क्योंकि कोविड पॉजिटिव केसेस हैं पाए गए हैं यूनिवर्सिटी में। तो अब ये जो इंटरव्यू या इंट्रैक्शन होगा इन MPhil या PhD प्रोग्राम्स के लिए वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। दिस इश्यूज़ विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑब्वियसली। तो यस, ये मेन इंपॉर्टेंट अभी तक की न्यूज़ है कि जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन ही होगा, जो डीन है एकेडमिक्स के उनके द्वारा ये नोटिस दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, तो फाइनली बस यही नोटिस था और यही लिस्ट था, यही ये वीडियो था। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइज, जिन्हें भी अपना इंटरव्यू है PhD के लिए उसे देना है, MPhil के लिए देना है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। यही था इस वीडियो में, आई होप कि हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। That's it. Thank you so much.